खुशियों की जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को, लबों पे इनके वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। हीरा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ओह माय गॉड, 9 बज गए। तुम्हारे कान के साथ रखा होता है मोबाइल, उसके अलार्म से तो तुम उठती नहीं, और किसी की आवाज से तुम उठती कहाँ हो। अब नाश्ता तो ठीक से कर लो। मुझे ऑलरेडी वार्निंग मिल गई है ऑफिस में, मुझे बहुत देर हो गई है। इसीलिए कहते हैं नमाज पढ़नी चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारे दिन में और मेरे दिन में 4 घंटे का फर्क है। तुम्हारे उठने से पहले पहले मैं दिन के सारे काम कर लेती हूँ, लेकिन जल्दी उठे कौन। जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ता है, और तुम्हारे दुश्मन ही होते हैं जो 4 बजे से पहले सोते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए लेक्चर वेट हो सकता है, कुछ देर हो रही है, अब मैं वापस आके बात करूंगी। ओके बाय। अच्छा ना, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। क्या हालत कर दी है कमरे की, पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की।
यार मम्मा पापा उमरा करने गए हैं, एक हफ्ते में वापस आ जाएंगे। कोई हज करने के लिए नहीं गए जो तुमने पार्टीज प्लान करना शुरू कर दी। मेरे पास एक हफ्ता रह गया राइट, प्लीज मुझे सुकून से एंजॉय करने दो जब तक अंकल आंटी नहीं आ रहे। देखो हीरा, मुझे इन सब चीजों से तुम दूर ही रखो तो अच्छा है, मैं इन सब चीजों में नहीं पढ़ूंगी। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मम्मा पापा के होते तुम तो कभी पार्टीज करती ही नहीं थी। हाँ मगर फ्रेंड्स के घर पार्टी करने में मजा नहीं आता। और वो जो तुम्हारा दोस्त आ रहा है ना, अगर उसका मम्मा पापा को पता चल गया ना, मैं पहले बता रही हूँ, मैं साफ मुंह कर जाऊंगी। तुम इतना क्यों डर रही हो? तुम्हें पता है जब हम इस्लामाबाद में थे हम कितना एंजॉय करते थे। कभी मैं और मेरे फ्रेंड्स अरसलान के घर चले जाते थे, कभी वो लोग सब मेरी तरफ आ जाते थे, इतना मजा आता था। हाँ और अब यही सब तुम यहाँ करना चाह रही हो उसके साथ। गुड, प्लीज ना। देखो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, सिर्फ 2 घंटे की तो बात है, और तुम ऐसे टेंशन ले रही हो जैसे वो यहाँ रहने आ रहे। देखते हैं। आई थिंक आ गया, मैं देखती हूँ। एक बात तो बताओ। हाँ बोलो। यार ये इंसान कितने समझदार होते हैं ना। वो तो है, पहाड़ दरिया समंदर हर चीज की गहराई तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि चांद पर भी पहुंच गए। तो ये कि एक दूसरे के दिल का हाल क्यों नहीं जान पाते। वेरी फनी। पता नहीं यार मुझे निकी लगा तुम कोई कितनी सीरियस बात करने वाली हो। आई एम सीरियस यार। अच्छा खैर अब इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अच्छा है कि अभी तक इंसान इस काबिल नहीं हुए कि एक दूसरे के दिलों का हाल जान सके, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो उस दिन इन्हें हमारी भी जरूरत नहीं है। What? जी ओह हाय शेजा, My best friend Arsalan. और Arsalan, ये मेरी cousin है शिजा। ओ, तो आप हैं मिस शिजा। भाई शिजा, मैंने आपकी बहुत तारीफें सुनी हीरा से। और बताओ तुम्हारा कैसा आना हुआ? कमाल है यार, बताया तो था भाई कंपनी ने ट्रांसफर किया, पे पर्क्स अलाउंस से सब कुछ बढ़ा दिए, मैंने भी इनकार नहीं किया, आ गया। और मुझे लगा था तुम मेरे लिए आए हो। कम ऑन यार हीरा, तुम तो बोनस में साथ आई ना। चलो खैर जो भी हो, आई एम रियली हैप्पी कि तुम आए हो। सो एम आई। कहाँ जा रही हो? मैं चाय लेके आती हूँ। एक मिनट, आप तशरीफ रखिए, शाबाश उठो, जाओ जाके चाय बना कर लाओ, मैं इसका मेहमान हूँ आपका नहीं, आप बैठे। देखो अगर तुम्हें अच्छी चाय पीनी है ना तो इसे जाने दो, क्योंकि अगर मैंने बना ली तो फिर पीनी भी पड़ेगी। माफ कर दे मलका आलिया, खुदा का वास्ता है माफ कर दे, गुलाम से नादानी हो गई, नादानी में पता नहीं क्या कह। You know what? एक दफा मैडम ने मेरे लिए अपने हाथों से कॉफी बनाई और उसका बद जायका और कड़वाहट आज तक मेरे मुंह में मौजूद है। प्लीज ये बहुत ड्रामेटिक हो रहा है, कॉफी तो कड़वी होती है राइट? मेरी बात सुनो मैडम, इतनी कड़वी नहीं होती जितनी आपने बनाई थी। या एक्सक्यूज मी, मेरे डैड की कॉल आ रही है, एक सेकेंड। जी तो शिजा, आप बताइए भाई क्या मसरूफियात हैं आपकी, क्या करती हैं आप? बस कुछ खास नहीं, अभी 4 मंथ पहले ही मास्टर कंप्लीट किया है मैंने, अब आगे कुछ प्लान नहीं किया। हाँ भाई 16 इयर्स की एजुकेशन के बाद रिलैक्स करना तो बनता है, आई टोटली एग्री विद यू। वैसे अब आपस की बात है, मैं आपकी एजुकेशन का नहीं पूछ रहा था, मैं आपकी हॉबीज के बारे में मालूम करना चाह रहा था। सो सॉरी। बस कुछ खास नहीं, हॉबीज में मैं म्यूजिक सुन लेती हूँ या कुकिंग कर लेती हूँ, बस इन सब चीजों का शौक है। अच्छा और रीडिंग, मुताले का शौक है आपको? हाँ शौक तो बहुत है, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टेड किताबें पढ़ती हूँ जो मेरे दिल के करीब होती हैं। तो मैडम जरा हमें भी वो खुशनसीब किताबें दिखाइए जिन्हें आपने पढ़ने का शर्फ बख्शा है। हाँ वो तो मेरे कमरे में है। तो चले फिर चलते हैं, इंतजार किस बात का, बजाय अब सारा कुछ उठा के यहाँ लेकर आएंगी, हम चलते हैं। मन चलेगा सौदा। शिजा आपको मालूम है अशफाक अहमद साहब मेरे सबसे पसंदीदा मुसन्निफ, वैसे अहमद से कलेक्शन बहुत अच्छी है आपके पास।
जॉन एलिया, अरे खलील जिब्रान साहब भी आपकी कलेक्शन में। वैसे एक बात बताऊं आपको, आजकल उर्दू अदब का जौक रखने वाले बहुत कम लोग हैं। I must say I am pleasantly surprised. Thanks. अरे भाई हेरा, ये शहजाद तो बहुत बाज़ौक है भाई, तुमने पहले क्यों नहीं मिलवाया? क्योंकि हम इस्लामाबाद में रहते हैं और ये मैडम मुझसे मिलने नहीं आती। लेकिन चलो बेटर इट देने को, अब तो मुलाकात होगी ना और अब इंशाल्लाह आगे भी होती रहेगी। प्लीज किसी खुशफहमी में मत रहना, क्योंकि इन मैडम को पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट ये तो फ्रेंड्स से भी इतना नहीं मिलती। भाई पार्टीज में जाने का शौक तो मैं भी नहीं था, लेकिन मेरी खुरबत ने तुम्हें जिंदगी को जीना सिखा ही दिया है रा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लस मेरी बात अलग है, इसकी और भी प्रॉब्लम्स हैं। आंटी अंकल को बिल्कुल पसंद नहीं है इसका बाहर जाना। मम्मी अबू तो ना यार। अच्छा एक हफ्ता तो है ना हमारे पास, एक काम करते हैं, एक हफ्ता हम खूब पार्टी करते हैं, क्या ख्याल है? अगर तुम दोनों को एक्सेप्टेबल है तो। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, क्यों शहजाद? हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। वैसे हेरा, आई थिंक डिनर के लिए चलते हैं। मैं भी यही इशारा कर रहा था। वैसे शेजा ऑनेस्टली, इतने कम टाइम में तुमने इतना कुछ बना लिया, प्रीटी इंप्रेसिव। यार खाना इतने मजे का, इतने मजे का तेरा कांट है। भाई शेजा तुम्हारे हाथ में जादू है वाकई। हेरा यू राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप ये खीर लीजिए ना। अरे वाह वाह, खीर भी है भाई, ये तो ट्राई करनी मस्ट है। प्लीज रख दे, थैंक यू। शेजा मैं मान गया हूं, खीर इतने मजे की। हीरा इट्स सो गुड यार, इट्स अ मस्ट ट्राई, ट्राई करो। नहीं आई डोंट लाइक खीर। ना करो, मैं तो और खाऊंगा भाई। प्लीज मैं थोड़ी सी और पास कीजिएगा, थैंक यू। मजा आया ना आज? वैसे अरसलान वाकई बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। फिर आप एक बात पूछूं? पूछो। अगर मैं ये पूछूं कि तुम्हारी और अरसलान की सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी है? नहीं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, दैट्स इट। और अगर मैं ये कहूँ तुम्हारी उस सबसे अच्छे दोस्त से मुझे मोहब्बत हो गई है तो? What? हाँ यार, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे पहली नजर में देखते ही ना मेरी धड़कन तो जैसे बंद ही हो गई। और यकीन करो, इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। शज़ा, I don't know what to say. अगर ये मजाक है तो ठीक है, क्योंकि अगर तुम सही बोल रही हो तो मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि प्लीज तुम अपने दिल को संभाल लो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। देखो वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी पसंद नापसंद हर चीज का मुझे पता है, राइट? आई एम सॉरी बट तुम उसे कभी इम्प्रेस नहीं कर पाओगी। हाँ मैं जानती हूँ, जो लोग अपनी तरफ मुतवज्जा करना जानते हैं ना वो खुद कहाँ देखते हैं किसी और की तरफ। लेकिन जो भी है, अरसलान मुझे बहुत पसंद आया। ये कैसे हो सकता है? शज़ा अरसलान से कैसे मोहब्बत कर सकती है? कर सकती नहीं, कर चुकी है। और अगर तुम यूं ही खामोश बैठी रही तो वो वक्त दूर नहीं जब तुम अरसलान को उसकी तरफ माइल होते हुए देखोगी। अरसलान ऐसा नहीं है, आई डोंट थिंक उसे शज़ा जैसी लड़कियां कभी भी पसंद आएंगी। पहले की बात
और होती है। इस एज में इंसान को सब कुछ अच्छा लगता है। तुम कब समझोगी? मैं क्यों फिक्र करूं? मुझे कौन सा अरसलान से मोहब्बत है जो मैं शजा की दुश्मन बनूं? बेवकूफ लड़की। अरसलान का ख्याल अपने दिल से निकाल दो शजा। अरसलान से कुर्बत की ख्वाहिश तुम्हें दुख और परेशानी के सिवा और कुछ नहीं देगी। मोहब्बत में मिलने वाले दुख भी तो उम्र भर की कमाई का एक सबब ठहरते हैं। अरसलान और तुम्हारी फितरत में बहुत ज्यादा फर्क है शजा। आज का ये मामूली फर्क कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उलझन बन सकता है। समझदार इंसान वही होता है जो पहले से खतरे को जान ले। किसी से मोहब्बत करने में भला क्या खतरा हो सकता है? ये मोहब्बत नहीं, तुम्हारे नफ्स का धोखा है। मेरे दिल ने पहली दफा किसी के हक में गवाही दी है और मैं जानती हूँ मेरा दिल कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की। भाई मेरी तो जिंदगी में यही कोशिश है कि मैं जल्द अज जल्द सेटल डाउन हो जाऊं। दूसरे लोगों की तरह मुझे जिंदगी में किसी भी चीज के लिए तरसना ना पड़े। अपने बीवी बच्चों को मैं दुनिया की हर आसाइश देना चाहता हूँ, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। ख्वाहिशें तो तुम्हारी जायज हैं, लेकिन इन्हें हासिल करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ तो कर रहा हूँ ना, तभी तो अपना घर बार छोड़ के, अपने घर वालों को छोड़ के यहाँ आके अजनबी शहर में बसूं, ताकि सब अचीव कर सकूं। एक मुकम्मल घर, जिंदगी की आसाइश तो हर औरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन अगर शरीक सफर मोहब्बत करने वाला हो ना, तो औरत उसकी खातिर अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर देती है। ये सब बातें किताबी हैं शजा। गुर्बत की भट्टी में ढलते ही जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ने लगते हैं। गुर्बत और फाके का एक झटका ना, एक झटका हुसन के सारे कसबल निकाल छोड़ता है। ट्रस्ट मी। तुम लोगों ने कभी नोटिस किया कि मर्सिडीज से उतरने वाली किसी भी औरत के चेहरे पे वो परेशानी, वो फिक्र नहीं होती जो एक मिडिल क्लास औरत के चेहरे पे होती है? शायद तुम ठीक कह रहे हो। मैं शायद नहीं, यकीनन और हर बार ठीक कहते हो। हाँ तुम ही हमेशा ठीक कहते हो। वेल, ये बात तो है। और कितनी देर तक तुम अपनी इस मोहब्बत को दोस्ती का नाम देती रहोगी हीरा? इस हकीकत को तस्लीम कर लो तुम, इससे पहले शिज़ा अरसलान को ले उड़े। अरसलान और मैंने बचपन से एक दूसरे को सिर्फ दोस्त ही समझे हैं। अगर वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त है तो तुम इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? क्यों जलन होती है तुम्हें जब वो शिज़ा के साथ होता है? जलन तो नहीं, हाँ एक अजीब सी बेचैनी सी होती है। इस बेचैनी को मोहब्बत कहते हैं हीरा। मैं नहीं मानती इस बात को। मत मानो, फिर जब शिज़ा को तुम दुल्हन बने देखोगी ना, तब मानना इस बात को। शिज़ा कभी अरसलान की दुल्हन नहीं बन सकती। खाम ख्याली है तुम्हारी, बहुत जल्द तुम्हें अपनी इस नासमझी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा और 100% ऐसा होगा।
यकतरफा मोहब्बत करने वालों को खुशगुमानी के समंदर में तैरना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि समंदर में सहरा बदलते ज्यादा देर नहीं लगता। अरसलान की बेनाम मोहब्बत के रास्ते पे खुद को यूं बर्बाद नहीं करो शिजा, ये रास्ता ही अब मेरी मंजिल है। थैंक्स हिरा कि तुमने मुझे अरसलान से मिलवाया। तुम इस वक्त नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ। किस चीज का? क्योंकि तुमने मुझे अरसलान से मिलवाया। अरसलान से? हाँ, और ये एहसान मैं तुम्हारा कभी भी नहीं भूल सकती। शिजा, तुम अभी भी अपने इस बचपने में गिरफ्तार हो, बहुत बुरी तरह से चोट खाओगी तुम। चोट तो मैं ऑलरेडी खा चुकी हूँ, अब तो बस मरहम की तलाश है। तो ये मरहम तुम्हें दूसरों के दिल को राख बना के ही मिलेगा। ये तुम क्या कह रही हो हिरा, राख तो मेरे अपने जिस्मों जहाँ हो चुके हैं। तो छोड़ दो ना, मत देखो ये ख्वाब, किसने रोका तुम्हें? हाँ, मेरे दिल ने। वैसे जानती क्या हो तुम अरसलान के बारे में? अगर तुम मुझे पहले ही बता देती तो मैं तुम्हें कभी इजाजत ना देती इतनी बेवकूफी करने की। तुम ये कह रही हो, तुम्हें पता है ना अरसलान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम ये बात कैसे कह सकती हो? एग्जैक्टली माई पॉइंट, मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता। हिरा, हिरा, नाश्ता तो करती जाओ। तुमने जिसके लिए बनाया वेट कर लो, आता ही होगा। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी गैर मौजूदगी में सिर्फ एक दफा तो आया वो, और सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठा था और चला गया। मुझे क्या पता कि वो 10 मिनट बैठे कि 10 घंटे। तुम लोग मुझे तो कोई बात नहीं बताते, इनफैक्ट आई थिंक वेट करते हो मेरे जाने का। राइट, एनीवेज प्लीज आई हैव टू गो, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। समझ नहीं आता किसकी नजर लग गई है हमारी दोस्ती को, बिल्कुल बदल गई है हीरा। अभी चंद दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। यू नो, मुझसे तो लाउड म्यूजिक सुना भी नहीं जाता। वेल, अक्सर गजल सुनने वालों का यही हाल है, लेकिन नया जमाना है यार, बदलो खुद को, जवान जहान लड़की हो तुम। अदरवाइज भला हमारा क्या फायदा? You know, जब हीरा नई नई हमारे घर आई थी ना, तो वो इतना लाउड म्यूजिक सुनती थी, 2-3 दफा मैंने कंपनी देने के लिए उसके साथ बैठ गई। लेकिन यकीन करो, 10 मिनट के अंदर अंदर ना हीरा तो ऐसा फील हुआ जैसे दिल बंद हो गया। पता नहीं आप लोग कैसे इतने शोर में इंजॉय कर लेते हैं। किससे बातें हो रही हैं? एक्सक्यूज मी, अरसलान है। तुम बात करो, मैं कुछ लेके आती हूँ अपने लिए। मुझे एक्चुअली कुछ काम याद आ गया, तो उसे बोलो मैं उसे बाद में बात कर लूंगी। ओके, हीरा थी। क्या हुआ, चली गई? कह रही थी अभी बात नहीं कर सकती, बाद में बात करूंगी। अच्छा, बड़े नखरे वाली लड़की है भाई। लड़कियों बिचारियों के पास और नखरों के सिवा होता भी क्या है? वो नखरे तो होते हैं जिनसे हम अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। वैसे ये बात तो ठीक है तुम्हारी। पता नहीं आजकल हीरा इतनी डिस्टर्ब क्यों है। हाँ, वो अक्सर फेजेस आते हैं उस पे, यू डोंट वरी, हो जाएगी ठीक। नहीं, मैंने इन 2 सालों में उसका ऐसा बिहेवियर कभी भी नहीं देखा जो आजकल वो बिहेव करती है। मुझे लगता है उसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है, जिसका वो बदला ना हमसे यहाँ घर पे ले रही है। अच्छा शिजा, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके, टेक केयर। ओके, गुड नाइट।
समझ नहीं आती आखिर हीरा को हुआ क्या है। हम दोनों की दोस्ती तो खानदान भर में मिसाल थी। पता नहीं ऐसी कौन सी परेशानी है जो मुझसे डिस्कस भी नहीं करना चाह रही। हो सकता है कि वो चाहती हो मैं उससे पूछूं। हीरा वो मैं तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछो। क्या बात है? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या परेशानी है? ऑफिस का कोई मसला तो नहीं चल रहा? मेरी एक्चुअल परेशानी की वजह तुम हो। मैं? शजा तुम कितना इनोसेंट एक्ट करती हो। तुमने ही मेरी सारी खुशियां छीनी है। मैंने? मगर मैंने क्या किया है? तुमने मेरे हक पे डाका डाला है। तुम जानती थी ना अरसलान और मैं कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी तुमने अरसलान से मोहब्बत करने का ड्रामा शुरू कर दिया। ड्रामा? लेकिन मैं अरसलान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हाँ हाँ, तुम सच्ची मोहब्बत करती हो और मेरी मोहब्बत झूठी है। तुम्हारी मोहब्बत? तुम्हें उससे कब मोहब्बत हुई? तुमने तो कहा था तुम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हो। तो क्या दोस्त सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते शजा? तुमने हमारे इस ताल्लुक में वो स्टेज लाने ही नहीं दी। तुम तो खुद ही उसको देख के उसके पीछे पड़ गए। मैं क्या करती यार? मैं तुम्हें कह रही हूँ हीरा, प्लीज ऐसी बातें मत करो। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसी ज्यादती मत करो तुम। ज्यादती मैंने नहीं, तुमने मेरे साथ की है। मेरा दोस्त था ना, अब वो तुम्हें कॉल करता है मुझे नहीं करता, मुझसे नहीं मिलता मगर तुमसे मिलता है। प्लीज बस कर दो हीरा, खुदा के लिए बस कर दो। कहाँ जा रही हो? बात जब तुमने स्टार्ट की थी तो पूरी सुन के जाओ ना। अरसलान को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अब हमारे मोहब्बत के दरमियान कोई दीवार नहीं बनेगी। ये तुम गलत कर रही हो हीरा। तुम अपनी दोस्ती को मोहब्बत में कैसे बदल सकती हो? और जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो वो शिजा से सिर्फ हसद और कुछ नहीं। और रही बात अरसलान की, तो वो एक मौका परस्त इंसान है। तुम दोनों ही से मोहब्बत नहीं करता। ऐसे कैसे हो सकता है? अरसलान तो मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है। तुम्हें हो क्या गया यार? इतनी रात को तुमने मुझे इसलिए बुलाया कि तुम्हें इस घर में नहीं रहना, मैं फ्लैट ढूंढू तुम्हारे? Are you insane? अच्छा बताओ हुआ क्या और शिजा किधर है? मुझे नहीं पता कहाँ है। तुम जाओ बुला के लाओ उसे। मैं नहीं बुला रही उसे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। उसने मुझसे मेरी बहुत कीमती चीज छीनने की कोशिश की है, मैं नहीं उसे माफ कर रही। कीमती चीज?
कौन सी कीमती चीज भाई? उसने तुम्हें छीनने की कोशिश की है मुझसे। What? For God's sake, हीरा तुम क्या क्या बोले जा रही हो यार? शिजा एंड माई सेल्फ वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स एंड दैट्स इट। तुम जाके बुला के लाओ उसे, बल्कि ओ दे चीज। शिजा आओ बैठो। शिजा क्या तुम प्लीज हीरा को एक्सप्लेन कर सकती हो कि जैसे ये मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उस तरह से तुम भी सिर्फ मेरी दोस्त हो, और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम दोनों हमारे साफ सुथरे रिश्ते में ये मोहब्बत कहां से उठा के। अच्छा खैर, मेरे पास एक न्यूज है तुम दोनों को देने के लिए। मैं अगले माह US जा रहा हूं हमेशा के लिए। मुझे वहां एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई है, पैकेज बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा देखो प्लीज, लेट्स जस्ट चीयर अप, ठीक है? हम लोग एक काम करते हैं, मेरी इस करियर मूव को सेलिब्रेट करते हैं, हम तीनों बाहर चलते हैं, व्हाट डू यू से? नहीं, फिर कभी। ओके, एज यू विश। एनीवेज रात बहुत हो गई, मुझे निकलना चाहिए। वैसे यार निकी, ये इंसान लोग कितने अजीब होते हैं ना, अपनी जिंदगी को खुद मुश्किल में बनाते हैं, है ना? बिल्कुल, कुछ पता नहीं चलता इनका कब क्या कर डाले, और कितनी ज्यादा खुशफहमियों का शिकार भी हो जाते हैं। हम सोच ही रहे होते हैं और ये करके भी गुजर जाते हैं जो इनके दिल में आता है। देखो जरा बेचारे हीरा और शिजा को कितनी जबरदस्त गलत फहमी का शिकार हो गई थी। हाँ, और कितनी आसानी से निकल गए अरसलान साहब। वही तो, शुक्र है हीरा और शिजा की दोस्ती बच गई। और देखो ना, इनकी समझदारी की वजह से हम दोनों भी पहली बार हार जीत से बच गए। अरे हाँ, ये तो कमाल हो गया। अच्छा चलो फिर मिलके सेलिब्रेट करते हैं। हाँ चलो। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, जो जख्म दे जाते हैं दिलों को लबों पे इनके, वही हंसी है। अजीब उलझन है ख्वाहिशों की, जो रूप अपना बदल रही है, अजीब उलझन। निक्की और बड़ी अजीब उलझन है ख्वाहिशों की।